डीजल बस व निर्माण कार्य के कारण आनंद बिहार प्रदूषण का हॉटस्पॉट, आतिशी ने रोकथाम के उपायों का लिया जायजा। दिल्ली के प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों का जायजा लेने मुख्यमंत्री आतिशी रविवार को आनंद बिहार पहुंची। इस दौरान सीएम ने पाया कि आनंद बिहार में दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल बसों के कारण समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा RRTS का निर्माण कार्य के कारण भी प्रदूषण बढ़ा है। इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आनंद बिहार प्रदूषण का हॉटस्पॉट बना है, लेकिन सरकार रोकथाम के लिए सख्ती से कदम उठा रही है। आनंद बिहार बस अड्डा और आसपास के काफी संख्या में एंटी स्मॉग गन तैनात किए गए हैं। आसपास की सड़कों की मरम्मत की गई है, सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदूषण रोकथाम के लिए सरकार 99 टीमों के माध्यम से ट्रस्ट कंट्रोल ड्राइव चला रही है। ये टीमें पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह निर्माण साइटों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही शहर में 325 एंटी स्मोक गन लगाने की प्रतिक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यूपी की बसें बढ़ा रही प्रदूषण, गोपाल राय। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश से आने वाली डीजल बसें आनंद बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ा रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से कौशाम्बी में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि रात और सुबह के समय AQI बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण आनंद बिहार और कौशाम्बी डिपो है। दिल्ली के अंदर अब CNG और इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर आनंद बिहार और कौशाम्बी डिपो में डीजल की बसें आ रही हैं। इससे उनके धुएं का असर दिख रहा है। गोपाल राय ने कहा है कि प्रदूषण का कारण पास के चल रहे RRTS का काम है, जिससे धुआं प्रदूषण हो रहा है। जिसके अलावा आनंद बिहार डिपो से निकलने वाली बसें ठीक मॉनिटरिंग स्टेशन के सामने से गुजरती हैं। उन्होंने कहा है कि डिपो मैनेजर को संदेश दिया है कि बस की रूटों का वहां से डायवर्ट किया जाए। साथ ही बाहरी सड़कों पर गाड़ियों की संख्या ज्यादा से होने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ नेशन, आपकी आवाज़।